माय अनदर वीडियो ऑफ स्लेयर व्लॉग्स। सो आज की जो वीडियो है वो मेरे एक्सोर हेलमेट के ऊपर है, जो कि एपेक्स एडिशन है। उसको मैंने लिया हुआ था, वो प्रीमियम क्वालिटी का हेलमेट है, जो कि अब मैं आपको रिव्यू करूँगा कि कैसा है कैसा नहीं है, मतलब वर्थ इट है 4500 में कि नहीं। ओके गाइस, सो चलिए आपसे मिलते हैं, बाय बाय। सो गाइस, दिस इज हेलमेट ऑफ एक्सोर। ये मुझे बैग मिला था एक्सोर हेलमेट के साथ, देख सकते हैं आप। और इसको अगर ऐसे ओपन करके निकाल लेंगे, एक्चुअली मैं इसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं लेके। सो टडा, देखिए गाइस, ग्राफिक देखिए आप इसकी, एक नंबर ग्राफिक। ग्राफिक में ही तो फिदा हूँ मैं इसकी, एक नंबर ग्राफिक है, आप देख सकते हैं। वेनमस ये देखिए, पीछे से स्पॉयलर के साथ देख सकते हैं आप, ये देखिए। और इसके साथ ये बैग मिलता है। सो मुझे तो बैग इन्होंने डीसी वाला दे दिया था, देख सकते हैं, डीसी वाला दे दिया था, एपेक्स वाला नहीं दिया था। बैग काफ़ी क्वालिटी इसकी अच्छी है। ओके गाइस, और अगर आपको जानना है कि ये मैंने कहाँ से लिया है, कहाँ से नहीं लिया है और कैसे लिया है, मैंने तो ऑफलाइन मार्केट से लिया पहली बात। अगर आपको जानना है कि मैंने कितने का लिया है, कहाँ से लिया है, कैसे लिया है, किस तरीके से लिया है, तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप क्लिक करिएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगी कहाँ से मैंने लिया है, कैसे लिया है, किस तरीके से लिया है, कितने रुपए का लिया है, पूरा फुल डिटेल है। आप प्लीज़ उसको क्लिक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। और बाकी टॉपिक पे आते हैं वापस अपने एक्सोर हेलमेट पे। सो आप देख ही सकते हैं इसका ग्राफिक, एक नंबर है, मेरे को तो बहुत पसंद है। वेनम बना हुआ है एकदम बेहतरीन सा, किसी को भी जाके डस ले कोई अगर जा करे। चलिए, तो मेरा जोक था, बट देख सकते हैं क्या ही मज़ेदार, एकदम ज़बरदस्त। तो मैंने अभी इसको बोला नहीं था, बट इसकी अनबॉक्सिंग मैं करूँगा अब, मीन्स रिव्यू अब करूँगा। सो इसके साथ आपको बता दें तो पहले तो अंदर आपको ये मिलता है, कुछ स्टिकर्स मिलते हैं, स्टिकर्स और एक स्पॉयलर और मिलता है। मेरे को एक स्पॉयलर तो लगा ही हुआ था ऑलरेडी यहाँ पे, ये स्पॉयलर है तो ये लगा हुआ है पहले से ही। अगर आप इसको हटा देंगे तो आप छोटा वाला भी लगा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो ये बात तो हो गई स्पॉयलर की। और आप इसके एरोडायनेमिक देखिए, तो ये आपको मदद करता है हाई स्पीडिंग में, और अगर आप जब व्लॉगिंग करते हैं तो हवा जो है डिस्टर्ब नहीं करेगी, और हाई स्पीडिंग में भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा वो हवा, ऐसी एरोडायनेमिक बनाई गई है हेलमेट। और आप देख सकते हैं यहाँ से हवा पास होती है, अब से दो दिए गए हैं वेंट, देख सकते हैं आप, दो वेंट दिए गए हुए हैं, या इधर इधर, और एक वेंट फ्रंट पे दिया गया हुआ है कि ताकि स्वेट जो है आपके कम आए और वेंटिलेट होते रहें, कि ताकि हेड में आपके ज़्यादा स्वेटिंग ना रहे। और वैसे भी इसका जो क्वेश्चन है ये अंदर, ये जो है एंटी एलर्जिक है और स्वेट एब्जॉर्बेंट है। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक हेलमेट कैप ज़रूर ले लीजिए, मेरी वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें है, तो आप ज़रूर ले लीजिएगा उसको, कि ताकि सेफ रहे, स्मेल ना आए इसमें। और इसमें अगर सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें 3 सर्टिफिकेशन है, एज यू कैन सी, डॉट, ECE और ISI। 4500 में आपको 3 सर्टिफिकेशन मिल रहे हैं, मेरे हिसाब से तो ये वर्थ इट है, बिकॉज सेफ्टी फीचर में ये बहुत आगे है 4500 में। अगर मैं कहूँ तो ये आपके हेड को 80-90% बचा लेगा। अब 100% नहीं कह सकते, बिकॉज कुछ भी हो सकता है, भगवान नहीं है हेलमेट। और इसकी जो हेड क्वालिटी है वो ABS शेल से बना हुआ है, आप समझ सकते हैं इसकी क्वालिटी क्या होगी, काफ़ी इम्पैक्ट एब्जॉर्ब कर लेगा। सो वेट आप देख सकते हैं, 1.6 kg है, इसमें लिखा है 1600 grams, मीन्स 1.6 kg। सो हेलमेट भी कोई ज़्यादा भारी नहीं है, आप इसको कैरी कर सकते हैं। एज यू कैन सी, आपको इसमें दो वाइजर दिए जाते हैं, फ्रंट वाइजर ये एंड सेकेंड जो आपका वाइजर ये साइड से खुलता है, ये देख सकते हैं, ये देखिए। अगर आपको ये ना लगाना हो, मान लीजिए आपको धूप लग रही हो, तो आप इसको लगा सकते हैं, तो ये UV प्रोटेक्शन है, इससे आपके आंखों में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जब डाउन कर लेंगे तो आपको UV प्रोटेक्शन मिलेगा। ये जो है अप वाला वाइजर जो है एंटी स्क्रैच है, सो ऐसा नहीं है कि मतलब स्क्रैचेस नहीं आएंगे, बट माइनर स्क्रैचेस नहीं आएंगे। और आपको इसमें ब्लूटूथ कैपेबिलिटी मिलती है, इसमें आप ब्लूटूथ टेलीकॉम जो है अंदर आप लगा सकें, इसमें दिया गया है। इससे ये होगा कि बार बार आपको फ़ोन नहीं उठाना पड़ेगा राइडिंग के टाइम पे, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसमें हाँ, एक और चीज़ और अच्छी है कि अगर आप देखें इसके पीछे तो येल्लो पार्ट होगा, ये एक्चुअली में एंटी फॉग जो है इसमें आपको फ्री मिलता है,
लगा लगाए मिलता है, इसीलिए मैंने इसको लिया हुआ है क्योंकि 4500 में आपको पूरा कॉम्पैक्ट चीज मिल रही है। और एंटी फॉग, जिसको नहीं पता है क्या है, वो होता है जैसे कि आप ठंडी के टाइम पे फॉग जम जाती है हमारे वाइजर पे, या रेन के टाइम पे फॉग जम जाती है, तो ये क्या करता है, ये जमने नहीं देता है, तो इससे क्या होता है कि क्लियर व्यू आता है। सो हमें क्लियर व्यू के लिए हम लोग को एंटी फॉग दिया जाता है, और ये रिमूवेबल है एक्चुअली, में इसको रिमूव कर सकते हैं हम चाहे तो। देख सकते हैं आपको यहाँ पे नोज ग्रिल दी गई हुई है कि ताकि आपको ब्लॉगिंग के टाइम पे हवा ना लगे, तो आप जो बोले वो क्लियर रहें। नीचे भी आपको चिन ग्रिल दी गई हुई है कि ताकि आपको ब्लॉगिंग के टाइम पे हवा पास ना हो, तो आपको क्लियर एकदम आवाज़ आए। इसके बाद अगर आगे आते हैं तो अब इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, बट इसकी पैडिंग बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट है, रिमूवेबल है, आप इसको वॉश कर सकते हैं और इसको बाद में दोबारा लगा भी सकते हैं। तो इसकी पैडिंग काफ़ी अच्छी है, और इसका सबसे अच्छा मुझे ये लगा ये लॉक सिस्टम। ये लॉक सिस्टम सबसे सेफेस्ट लॉक बोला गया है, सो आपको मैं लॉक करके दिखाऊंगा। देख सकते हैं आप, ये है, इन दोनों को इसी डायरेक्शन में डाल दिया बोथ। ओके गाइस, देख सकते हैं आप, इन दोनों को बोथ इसी डायरेक्शन में डाल दिया है। ये देखिए, इसी डायरेक्शन में दोनों को डाल दिया है, देख सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आपको दिखाएं तो इसके अंदर से, एज यू कैन सी गाइस, इसके अंदर से निकाला और ये लॉक, ये देख सकते हैं आप, सबसे सेफेस्ट लॉक है। फिर इसके बाद इसको आपने जो है, जो आपको बटन दिया गया था उसको लॉक कर दिया और ये लॉक हो गया, देख सकते हैं गाइस आप, सबसे सेफेस्ट बोला गया है कि अगर हेलमेट, अगर आप इसको लॉक कर लेंगे तो ये हिलेगा नहीं बिल्कुल भी। अगर आपको मैं इसको पहन के दिखाऊं, सो पहली बात तो मैं इसका वाइजर का मैं ये हटाता हूँ, तो उसकी इनॉग्रेशन करता हूँ। देख सकते हैं पूरा क्लियर व्यू है, एज यू कैन सी गाइस। एक्चुअली मैं एंटी फॉग है उसको हटा के मैं रख दूंगा, क्योंकि अभी कोई ज़रूरत है नहीं, पानी यानी बरस नहीं रहा है ज़्यादा, तो अभी इसकी ज़रूरत है नहीं, तो इसलिए इसको अभी नहीं हटाऊंगा। सो ये आप किया, और इसको अगर पहनेंगे तो इसको पहनना है तो पीछे से ही पहनेंगे पुश करते हुए। देख सकते हैं गाइस क्या ही टाइट हेलमेट है, बिल्कुल एकदम फिट आ गया है, देख सकते हैं, व्यू देख लीजिए। और कैसा लग रहा है कैसा नहीं, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप ये देख सकते हैं बिल्कुल हवा पास नहीं हो रही, और अच्छा है, बिल्कुल सॉफ्ट है, कंफर्ट, मुझे देखिए। सो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये हेलमेट है कैसा, अच्छा है कि नहीं, वर्थ इट है कि नहीं। मेरे लिए तो ये वर्थ इट है, बट मुझे आपका नहीं पता, तो आप प्लीज़ डू कमेंट मी कि ये वर्थ इट है कि नहीं। सो इसको अभी मैं उतारता हूँ, देख सकते हैं एक्चुअली में ये अगर टाइट नहीं रहेगा तो फिर हो सकता हो कि गिरने के चांसेस ज़्यादा हों, और ये मैंने लार्ज मंगाया होता अपने साइज़ का, सो ये आप अपने साइज़ का मंगा सकते हैं, और ऑनलाइन लिंक डाल दूंगा, बट ऑफलाइन भी आप देख लीजिएगा जाके। सो यही था इसका रिव्यू, और इसका लोगो देखिए क्या ही प्यारा लोगो लगता है इसका। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लोगों को शेयर करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा कैसा नहीं, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फॉर मोर वीडियोज़। सो मैं ऐसे ही वीडियोज़ और भी लाता रहूँगा ब्लॉगिंग के या कुछ भी, सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड गाइज मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे। थैंक यू गाइज, बाय बाय।